नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। राशिफल के श्रृंखला में आज 19 जुलाई 2022 दिन मंगलवार, श्रवण मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि 7:49 सुबह तक ही रहेंगे। उपरांत सप्तमी तिथि का आगमन हो जाएगा। नक्षत्र उत्तराभाद्रपद, जिसके स्वामी शनिदेव हैं, ये 12:12 PM तक रहेंगे। उपरांत रेवती नक्षत्र का आगमन हो जाएगा, जिसके स्वामी बुधदेव हैं। राशि पूरे दिन रहेंगे मीन राशि, जिसके स्वामी बृहस्पति देव हैं। आज प्रथम मंगला गौरी व्रत भी मनाया जा रहा है। मंगला गौरी व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण व्रत है, आपके हर इच्छाओं की पूर्ति करने वाला व्रत है। राहु काल 3:18 PM से लेकर 5:00 PM तक, रात्रि राहु काल 2:33 AM से लेकर 3:51 AM तक। तो आइए आज का राशिफल शुरू करें। सबसे पहले मेष राशि, चंद्रमा आपके मीन राशि में बैठे हुए हैं, जो आपके 12वें भाव की राशि है। चंद्रदेव शनि के नक्षत्र में है, शनि आपके 10वें स्थान में मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो स्वास्थ्य पे थोड़े से ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ा हुआ रहेगा, विदेश से लाभ होंगे, यात्राएं का योग है, लेकिन चंद्र 12वें में बैठे हुए हैं, तो आप जितने कम यात्रा करें, छोटे मोटे यात्रा करें, वरना थोड़ी से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य बुध आपके 4th स्थान में बैठे हुए हैं, जो व्यक्ति प्रशासनिक काम करते हैं उन्हें काफ़ी लाभ होगा। शनि भी आपको लोहे के व्यापारी को लाभ दिलावेंगे, जो व्यक्ति इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करते हैं, विशेष करके जो सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, उन्हें आज काफ़ी लाभ होने की स्थिति बनती है। जो संचार माध्यम से काम करते हैं, काफ़ी लाभ होने की स्थिति बनती है। 10:34 से लेकर 12:12 तक का समय, ये समय बहुत अच्छा नहीं है आपका, थोड़ी सी सावधानी रखने का समय है। अपने से बड़ों से कुछ मतभेद हो सकता है आपको, धार्मिक मूड में रहेंगे, मंदिर मस्जिदों का दौरा करेंगे, पूजा पाठ में विशेष ध्यान होगा आपका। जो व्यक्ति पूजा के कर्मों से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। 12:12 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में। बुध आपके 4th स्थान में बैठे हुए हैं और बुध शनि के ही नक्षत्र में है, बहुत अच्छा समय आ जाएगा आपका। जो एजुकेशन सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में है, काफ़ी लाभ होने की स्थिति उनकी बनती है। जो व्यक्ति ग्रोसरी का व्यापार करते हैं, जो व्यक्ति विशेष करके गेहूं का व्यापार करते हैं, जो व्यक्ति विशेष करके दाल का व्यापार करते हैं, जो विशेष करके मूंग के दाल का व्यापार करते हैं, उनके लिए समय बहुत ही शानदार है। 3:39 से लेकर 5:39 तक का समय, ये समय उन व्यक्तियों के लिए काफ़ी शानदार है जो काफ़ी मेहनती हैं। ये समय उन व्यक्तियों के लिए काफ़ी शानदार है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं। ये समय उन लोगों के लिए काफ़ी शानदार है जो विशेष करके पार्टनरशिप के व्यापार में है, संचार माध्यम से काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मन इस समय आपका बेचैन रहेगा। जमीन जायदाद के कार्य से भी आपको सफलता मिलने की संभावनाएं प्रबल हैं, लेकिन खर्च की अधिकता रहेगी। काफ़ी धार्मिक मूड में रहेंगे, धर्म स्थान की यात्राएं करेंगे, प्रभु के चरण में पूर्ण रूप से प्रभु के चरण में आप रहेंगे। 5:39 से लेकर 9:08 तक का समय, ये समय प्लानिंग बनाने का ज़्यादा है आपका। नए मकान की प्लानिंग बनाएंगे, पड़ोसियों से थोड़े झंझट हो सकते हैं, महिलाओं से थोड़े झंझट हो सकते हैं, बहन से थोड़े झंझट हो सकते हैं, तो पारिवारिक कलह का थोड़ा सा समय है, तो पारिवारिक कलह से दूर रहें।
इस समय खास करके जो फिल्मों में काम करते हैं, जो मॉडलिंग करते हैं, उनके के लिए अच्छा समय है। मंगलवार का दिन है, मंगल आपके लग्न में बैठे हुए हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं, मंगल आपकी कुंडली में शुक्र के नक्षत्र में है। आप अपनी तरफ से अपने परिवार का काफ़ी ख्याल रखेंगे, आप अपनी तरफ से अपने परिवार के काफ़ी रक्षक माने जाएंगे, लेकिन थोड़े से क्रोध से बचें, थोड़े से ब्लड प्रेशर से बचें। मंगलवार का दिन है तो आज के दिन आप सुंदरकांड का पाठ जरूर करें, साथ ही साथ इस मंत्र का जाप करें। आज मंगला गौरी व्रत भी है तो जाप करें, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। वृषभ राशि, चंद्रदेव बैठे हुए आपके एकादश स्थान पर, मीन राशि में बृहस्पति के साथ शानदार गज के श्री योग लगा रहे हैं आपका, तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन है आपका, काफी लाभ होने की स्थिति बनती है। हालांकि मंगल राहु आपके अच्छे जगह पर नहीं बैठे हुए हैं, मंगल राहु आपके बैठे हुए हैं बाड़मे पे, तो मंगल बाड़मे पे हैं, आप अपने परिवार का पूर्ण ख्याल रखेंगे, सबों की रक्षा करेंगे। मंगल शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, हर तरह से अपने परिवार की, अपने धन की, कुटुंब की काफ़ी आप नज़र रखेंगे उन पर, काफ़ी उनकी रक्षा में हमेशा तत्पर रहेंगे। जमीन जायदाद का काम नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। आज के दिन इंश्योरेंस सेक्टर वाले को काफ़ी फायदा होगा, जो व्यक्ति शिपिंग का काम करते हैं उनके के लिए बेहतरीन समय है। चंद्रदेव 12:12 तक रहेंगे आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, जिसके स्वामी शनि देव हैं और शनि देव आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं मकर राशि में, शनि मंगल के ही नक्षत्र में है। विदेश से काफी लाभ होने की स्थिति आपकी बनती है, काफी मेहनत करेंगे आप और मेहनत का काफी लाभ आपको मिलेगा। विशेष करके जो व्यक्ति लोहे का काम करते हैं, विशेष करके जो इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करते हैं, जो इंश्योरेंस का काम करते हैं, जो शिपिंग का काम करते हैं, जो ऑटोमोबाइल का काम करते हैं, जो लिक्विड वेस व्यापार करते हैं, आपके लिए इस समय बहुत ही अच्छा है। भाग्य का सहारा अपने कर्म से लें, आए आपको होंगे, बृहस्पति देव आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। 12:12 PM के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में और बुध आपके बैठे हुए हैं तृतीय स्थान पर सूर्य के साथ, तो यात्राएं होंगी, यात्रा से भी आपको काफ़ी लाभ होगा, छोटे मोटे पड़ोसी देश से आपको काफ़ी लाभ होगा, पड़ोसियों से काफ़ी लाभ होगा, सरकारी तंत्र से आपको काफ़ी लाभ होगा, प्राकर्म आपका काफ़ी भरा हुआ रहेगा, दवा के व्यापारी यात्राएं कर सकते हैं और यात्राओं से आपको लाभ होगा। 10:34 से लेकर 12:12 तक का समय भाग्य पूर्ण रूप से आपके साथ रहेगा, आय की स्थिति बहुत अच्छी बनती है, काफी धार्मिक मूड में रहेंगे आप, हर लोगों की मदद करना आज आपका लक्ष्य होगा, किसी की बुराई नहीं करेंगे, हर दुखी व्यक्ति की मदद करने के लिए आप तत्पर रहेंगे आज के दिन। 12:12 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे रेवती यानी बुध के नक्षत्र में और बुध आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं, बुध आपकी कुंडली में पंचम स्थान के स्वामी हैं, बुध आपकी कुंडली में तीसरे स्थान पर बैठे हुए हैं, बुध शनि के ही नक्षत्र में हैं। विदेश से काफ़ी लाभ होने की स्थिति बनती है, विदेश से नए प्रोग्राम लेने की स्थिति बनती है, विदेश से नए कॉन्ट्रैक्ट लेने की स्थिति बनती है, बहुत ही सुंदर समय है। व्यापार से काफ़ी लाभ होने की स्थिति बनती है, आपके द्वारा दिए गए सलाह से लोग काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो बड़ा ही सुंदर समय है। 5:39 से लेकर 9:08 तक का समय, ये समय बहुत बुरा नहीं है,
ठीक ठाक है, लेकिन खर्च की स्थिति से बचें और विशेष करके जमीन जायदाद का किसी तरह से कोई एग्रीमेंट इस समय ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। जो व्यक्ति फिल्मों में गायिका हैं, गायक हैं, मॉडलिंग करते हैं, उनके के लिए बड़ा ही सुंदर समय है। जो व्यक्ति कॉस्मेटिक का व्यापार करते हैं उनके के लिए बड़ा ही शानदार समय है। 5:39 से लेकर 9:08 PM तक तो दिन तो आज आपका बहुत ही शानदार है। मंगलवार का दिन है, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगला गौरी के मंत्रों का जाप करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। साथ ही साथ आज के दिन आप बुध के मंत्रों का जाप कर लें या गणेश जी के 108 नामों का जाप करें आप, या दुर्गा सप्तशती उठाएं और दुर्गा जी के 32 नामों का जाप करें। आज बेहद लाभ का दिन है आपका, बेहद ही लाभ का दिन है। लग जाएं अपने कर्म में, भाग भी साथ देगा, हर तरह से आपको मदद मिलेंगे। लाभ का दिन है, लोगों की मदद करते रहें, परोपकार करते रहें, दिन आपका शुभ हो। मिथुन राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके 10वें स्थान पर बृहस्पति के साथ, कर्म के भाव में शानदार आपका गज के श्री योग लगाए हुए हैं। चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में है और बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है। शनि आपके अष्टम में आ गए हैं, शनि मंगल के नक्षत्र में है। याद रखेंगे आज शेयर सट्टा लॉटरी से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। साथ ही जमीन के कारोबार से काफी फायदा होगा, केमिकल उद्योग से काफी फायदा होगा, चर्म उद्योग से काफी फायदा होगा। जो व्यक्ति शिपिंग का कारोबार करते हैं बेहतरीन समय है उनके लिए। जो व्यक्ति ग्रोसरी का कारोबार करते हैं, टीचर हैं, एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, शानदार समय है। जो व्यक्ति सरकारी तंत्र में है उनका प्रमोशन भी हो सकता है। जो व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में है उनके के लिए भी समय बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति फार्मा कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति इंजीनियरिंग कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति सॉफ्टवेयर कंपनी से जुड़े हुए हैं, शानदार समय है आपका। काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे। 10:34 से लेकर 12:12 तक का समय, ये समय अचानक धन लाभ का समय है। शेयर सट्टा लॉटरी से लाभ का समय है, डूबे हुए पैसे वापस आ सकते हैं। लेकिन इस समय आप विशेष ध्यान रखें अपने मूड पर, मन आपका अचानक भ्रमित हो जाएगा, मन अचानक आपका दुखी हो जाएगा, मन अचानक सुस्त हो जाएगा। तो कर्म के क्षेत्र में लगे रहे हैं आप, ये समय काफी अच्छा है, बुरा नहीं है। 12:12 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। बुध आपके द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, धन भाव में बैठे हुए हैं, काफी अच्छा रिजल्ट देंगे। बुध आपकी कुंडली में शनि के ही नक्षत्र में, अचानक धन का लाभ होगा आपको, बड़े बुजुर्गों से लाभ होगा, पिता से काफी लाभ होगा। तो समय आपके लिए काफी अच्छा है। 12:12 से लेकर 3:39 तक एजुकेशन सेक्टर वाले को काफ़ी लाभ होगा, फाइनेंस वाले को काफ़ी लाभ होगा, इंश्योरेंस सेक्टर वाले आज बहुत ही अच्छा करेंगे, शिपिंग के कार्य में जो जुड़े हुए हैं काफ़ी अच्छा करेंगे। खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान चलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में हैं, उनके के लिए भी काफ़ी अच्छा समय है, काफ़ी लाभ का समय है। उनको मान सम्मान भी मिलेगा, धर्म के क्षेत्र में भी काफ़ी लाभ होंगे। 3:39 से लेकर 5:39 तक का समय, संतान के विदेश जाने का समय है, संतान को आपसे दूर जाने का समय है। हायर एजुकेशन संतान के लिए होगा, संतान बेरोजगार हैं तो उनको नौकरी मिलने का समय है, नए व्यापार करने का समय है,
तो संतान के लिए ये समय अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के काम करने वाले के लिए अच्छा है, संचार माध्यम से काम करने वाले के लिए बेहतरीन समय है। 5:39 से लेकर 9:08 तक का समय, ये भी समय आपके लिए अच्छा है, काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे, काफ़ी होशियार रहेंगे, वाणी में काफ़ी लज्जत रहेगी आपकी, कभी कभी आदेश वाली वाणी भी बोलेंगे, समय बुरा नहीं है। मिथुन राशि वाले, आपके लिए समय बहुत अच्छा है, परंतु वाहन सावधानी से चलावें, काफ़ी सावधानी से वाहन चलावें, सड़क पार करने में काफ़ी ध्यान रखें, सीढ़ी से उतरने में ध्यान रखें, बाकी समय आपका बड़ा ही सुंदर है। मंगलवार का दिन है, आज के दिन सुंदर कांड का पाठ जरूर करें, साथ में मंगला गौरी के मंत्रों का जाप करें, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादात्री स्वाहा सदा नमस्तुते, गणेश जी की भी आराधना करें, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। कर्क राशि, चंद्रमा आपके भाग भाव में बैठे हुए हैं बृहस्पति देव के साथ मीन राशि में, और भाग भाव में शानदार गज के श्री योग लगाए हुए हैं, भाग्य काफी आपका प्रबल रहेगा, भाग के सहारे हर काम को आज कर लेंगे आप, लेकिन हर काम करने के लिए कर्म तो करना ही होगा। कर्म भाव में आपके मंगल राहु बैठे हुए हैं, काफी प्राकर्मी रहेंगे, जमीन जायदाद से काफ़ी लाभ होगा, जो रियल एस्टेट में काम करते हैं काफ़ी लाभ होगा, जो चमड़े के उद्योग से काम करते हैं काफ़ी लाभ होगा, जो फर्नीचर का काम करते हैं काफ़ी लाभ होगा, जो पुलिस में है सेना में है, शानदार समय है आपका। व्यक्तित्व भी आपका काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा, काफ़ी मान सम्मान से नवाजे जाएंगे आप, और आज के दिन काफी पराक्रमी भी आप रहेंगे, काफी इगोइस्ट भी आप रहेंगे। 10:34 से लेकर 12:12 तक का समय, पार्टनरशिप के व्यापार से काफी लाभ होगा, जो कोल का व्यापार करते हैं, जो पार्टनरशिप में लोहे का व्यापार करते हैं, उनके के लिए समय बहुत ही खूबसूरत है। जो व्यक्ति ऑटोमोबाइल का व्यापार करते हैं उनके के लिए समय बहुत ही अच्छा है, जो लेबर सप्लाई का व्यापार करते हैं उनके के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है, जो व्यक्ति जमीन जायदाद का काम करते हैं रियल एस्टेट से काम करते हैं उनके के लिए भी शानदार समय है। 10:34 से लेकर 12:12 PM तक, 12:12 PM के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, बुध आपके लग्न में बैठे हुए हैं, बुध शनि के ही नक्षत्र में है, बहुत ही शानदार समय होगा आपका, व्यापार से काफी लाभ होंगे, एजुकेशन सेक्टर वाले को काफी लाभ होगा, फाइनेंस सेक्टर वाले को काफी लाभ होगा, नए नए व्यापार का ब्लूप्रिंट बनाएंगे, काफी बुद्धिमता से हर काम करेंगे, तो दिन काफी अच्छा है। 12:12 से लेकर 3:39 तक का भी समय आपके लिए काफी अच्छा है, पार्टनरशिप के व्यापार में काफी उत्थान होगा आपका। 3:39 से लेकर 5:39 तक का समय, थोड़ा सा माँ के स्वास्थ्य से परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा माँ के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, लेकिन जो व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो व्यक्ति नेता हैं, जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करते हैं, जो व्यक्ति संचार माध्यम से बिजनेस करते हैं, जो व्यक्ति शिपिंग का व्यापार करते हैं, जिनके जहाज विदेश जाते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। खास करके आज जो व्यक्ति दवा कंपनी में काम करते हैं, जो फार्मास्यूटिकल हैं, जो फार्मा का काम करते हैं, उनके के लिए भी समय बहुत ही शानदार है। 5:39 से लेकर 9:08 PM तक का समय, ये समय अत्यधिक खर्च का होगा आपका, पूरे दिन अगर 10 रुपया आपने कमाया तो 25 रुपया खर्च करेंगे आप, आधुनिक सामान काफी खरीदेंगे, घर के सज्जा का सामान खरीदेंगे, अपने लिए काफी ड्रेस वगैरह खरीदेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदेंगे, तो ये समय काफी खर्च का है, लेकिन जो फिल्मों में काम करते हैं, जो मॉडलिंग करते हैं, उनके लिए समय अच्छा है।
आज के दिन कर्क राशि वाले शिवलिंग पर जल चढ़ावें और साथ ही साथ आज के दिन जल के साथ चावल चढ़ावे, जो चावल बिना टूटा हुआ चावल है, लाल फूल चढ़ावे, बेलपत्र चढ़ावे और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय शिवाय नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः नमः शिवाय का जाप करें। साथ ही लाल आसन पर बैठकर वहीं कम से कम 108 बार ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते, इस मंत्र का 108 बार जाप करें, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। सिंह राशि चंद्रमा मीन राशि में बैठे हुए हैं, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, शनि आपके छठे स्थान मकर राशि में बैठे हुए हैं, चंद्र के साथ बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, अष्टम भाव आज आपका काफी एक्टिवेट है, तो अष्टम भाव अगर एक्टिवेट है आपका तो ये अच्छा लक्षण है। मन थोड़ा सा बेचैन आपका जरूर रहेगा, लेकिन आय के साधन बड़े ही प्रबल होंगे, कर्म आपके काफी शानदार होंगे। अष्टम भाव दशम भाव का एकादश स्थान है, आय स्थान है दशम भाव का, यानी कर्म को गेन करने का स्थान अष्टम भाव है, और अष्टम भाव में गज केसरी योग लगे हुए हैं। कर्म के क्षेत्र में आपके हर कर्म आपको सफलता देंगे, पैटर्नल प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा, अचानक धन का लाभ होगा, डूबे हुए पैसे वापस आएंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। सप्तम स्थान के स्वामी शनिदेव मकर राशि में बैठे हुए हैं, अपने से बारहवें राशि में बैठे हुए हैं, बृहस्पति देव भी अष्टम में है, तो जीवन साथी के साथ मधुर व्यवहार में रहें, जीवन साथी से समझौता करके चले, वरना दाम्पत्य जीवन की स्थिति अच्छी नहीं है। पार्टनरशिप व्यापार की स्थिति आज अच्छी नहीं रहेगी आपकी, पराक्रम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, बढ़े हुए पराक्रम में आप कुछ भी कर सकते हैं, तो सोच समझ के सारा काम करें, दिन बुरा नहीं है। चंद्रमा अगर अष्टम में बैठे हुए हैं तो किसी भी तरह का यात्रा आज के दिन न करें तो ज्यादा अच्छा है। 10:34 से लेकर 12:12 तक का समय, ये समय उन व्यक्तियों के लिए अच्छा है जिनकी नौकरी नहीं है, उनको नए रोजगार मिल सकते हैं, नए काम मिल सकते हैं, विशेष करके जो लेबर सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके के लिए समय अचानक लाभ का समय होगा। 12:12 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, और बुध भी आपके 12वें में बैठे हुए हैं, बुध आपके कुंडली में शनि के नक्षत्र में है, ऐसे में विदेश से आपको लाभ हो सकता है, विदेश की यात्राएं हो सकती हैं, किसी से कर्ज लेने की भी नौबत आ सकती है, प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे आपके। तो 12:12 से लेकर 3:39 तक का समय विदेश से लाभ का समय है, लेकिन जो व्यक्ति एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति प्रशासन से जुड़े हुए हैं, सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं, उनके के लिए समय कहीं से अच्छा नहीं है। जो व्यक्ति इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके के लिए भी समय कहीं से अच्छा नहीं है। जो व्यक्ति शिपिंग व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके के लिए समय अच्छा नहीं है, हर काम सोच समझ के करे, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। 3:39 से लेकर 5:39 तक का समय, ये समय छोटे मोटे देश की यात्राएं का समय है, छोटे मोटे जगह में जाने का समय है, कुछ न कुछ यात्राएं होंगी, लेकिन चंद्रदेव आपके अष्टम में बैठे हुए हैं तो थोड़े यात्राओं पर न ध्यान दें, लेकिन छोटे मोटे यात्रा होते हैं जहां से आपको लाभ होता है उस यात्रा को करें, उससे कोई नुकसान नहीं होगा आपको। 5:39 से लेकर 9:08 तक का समय विदेशों से लाभ का समय है। जो व्यक्ति इम्पोर्ट एक्सपोर्ट खास करके फूड ग्रेन्स का करते हैं उनको काफ़ी लाभ होगा, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट संचार माध्यम से करते हैं उनको भी काफ़ी लाभ होगा, जो पत्रकार बंधु हैं उनको भी काफ़ी लाभ होगा, संचार माध्यम से किए काम में इस समय काफ़ी लाभ होने की
स्थिति बनी हुई है आपकी। सिंह राशि वाले कुल मिलाकर दिन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं है। ये सारा दिन डिपेंड करता है कि आप अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, अपने में कितना पेशेंस रखते हैं। आपका पेशेंस आपके अच्छे कर्म आज के दिन को तय करेगा। आज के दिन सूर्य को तो जल चढ़ाएं ही आप, गायत्री मंत्र का जाप करें ही आप, हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करें, मंगला गौरी की आराधना करें, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। कन्या राशि चंद्रदेव आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, मीन राशि में बृहस्पति के साथ शानदार गज के श्री योग व्यापार भाव में लगाए हुए हैं, व्यापार से आज के दिन काफी लाभ होने की संभावनाएं हैं। जो व्यक्ति शिपिंग का व्यापार करते हैं, जो व्यक्ति पूजा पाठ के दुकानों का व्यापार करते हैं, जो व्यक्ति पूजा पाठ के सामान का व्यापार करते हैं, जो व्यक्ति धर्म गुरु हैं, जो व्यक्ति इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, बहुत ही खूबसूरत समय है आपके लिए। जो व्यक्ति दाल का व्यापार करते हैं, विशेष करके चने के दाल का व्यापार करते हैं, शानदार समय है आपके लिए। जो व्यक्ति प्रशासन में है, जो व्यक्ति फाइनेंस में है, जो व्यक्ति डॉक्टर्स हैं, जो व्यक्ति खास करके सरकारी तंत्र से टेंडर लेके काम करते हैं, उनके लिए भी समय बहुत ही शानदार है। बुद्धि आपके काफ़ी प्रखर रहेंगे, बुद्धि से सारे काम को अंजाम दे देंगे, बहुत ही सुंदर बेहतरीन समय है। खास करके 12:12 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, बुध आपके एकादश स्थान में, सूर्य के साथ बुध आदित्य योग लगाए हुए हैं, बुध शनि के ही नक्षत्र में, शनि आपके पंचम में बैठे हुए हैं, बुध को देख रहे हैं, शानदार व्यापार का समय होगा। लोहे के व्यापारी के लिए शानदार समय है, ग्रोसरी के व्यापारी के लिए शानदार समय है, फूड ग्रेन के व्यापारी के लिए शानदार समय है, जो एजुकेशन सेक्टर में उनके लिए शानदार समय है, जो दवा के व्यापारी हैं उनके लिए शानदार समय है, जो शिपिंग का काम करते हैं उनके लिए शानदार समय है, बहुत ही शानदार समय है। केवल जो रियल एस्टेट में काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं है, जो पुलिस में काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं है, जो आदमी चर्म उद्योग से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं है, जो व्यक्ति जूते चप्पल का व्यापार करते हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं है। 3:39 से लेकर 5:39 तक का समय, ये समय पैतृक संपत्ति से आपको काफी लाभ होने जा रहा है, काफी लाभ। बहन से आपको काफी लाभ होने जा रहा है, बहन की संपत्ति मिल सकती है, बुआ की संपत्ति मिल सकती है, ये समय आपके लिए पैटर्नल प्रॉपर्टी के लिए शानदार समय है। इस समय आपकी वाणी में काफी कूटनीति वाली वाणी रहेगी, लेकिन धर्म से आप डिगेंगे नहीं, गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये समय आपके लिए बेहद ही शानदार और बेहद ही लाभ का समय है। 5:39 से लेकर 9:08 तक का समय, ये भी समय अच्छा है, खास करके जो फाइनेंस में काम करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, खास करके जो होटल व्यापार से जुड़े हुए हैं, खास करके वो जो कॉस्मेटिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। जो व्यक्ति ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। जो व्यक्ति लग्जरी आइटम्स का काम करते हैं उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। कन्या राशि वाले, दिन आपका काफ़ी अच्छा है, आज कहीं से भी दिन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह से लाभ होगा आपको। आज के दिन आप बुध के मंत्रों का जाप करें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम स बुद्धाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम स बुद्धाय नमः, साथ ही साथ मंगला गौरी के मंत्रों का जाप करें, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। तुला राशि चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके छठे स्थान पर, मीन राशि में बृहस्पति के साथ और चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है,
शनि आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, माता के स्वास्थ्य से परेशानी हो सकती है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ कर्ज का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे, कुछ नए गाड़ी नए मकान खरीदने की कोशिश करेंगे या उसके प्रोग्राम्स आप बनाएंगे। थोड़े शत्रु परेशान कर सकते हैं आज के दिन, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। मंगल राहु आपके सेवेंथ स्थान में बैठे हुए हैं, जमीन जायदाद के व्यापार से काफ़ी लाभ होगा, लकड़ी के व्यापार से काफ़ी लाभ होगा, फर्नीचर का जो व्यापार करते हैं उन्हें काफ़ी लाभ होने की स्थिति बनती है। जो व्यक्ति फार्मा का काम करते हैं, जो व्यक्ति पुलिस में है, जो व्यक्ति सेना में है, जो व्यक्ति प्रशासन में है, जो व्यक्ति दवा का काम करते हैं, जो व्यक्ति मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो व्यक्ति फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए इस समय बहुत ही अच्छा है। जो व्यक्ति इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ की दुकान से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। 10:34 से लेकर 12:12 तक का समय, ये समय थोड़ा सा अच्छा नहीं है। माता के स्वास्थ्य से थोड़ी परेशानी हो सकते हैं, कर्ज लेने की नौबत आ सकती है, पेट में भी आपके दर्द रह सकता है, कहीं ना कहीं फिजिकल परेशानी से आप जूझ सकते हैं, गर्दन में भी आपके दर्द रहने की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल है। 12:12 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, रेवति नक्षत्र में। अब बुध आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं, शानदार कर्म की स्थिति रहेगी, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिले या खुद का रोजगार कायम करें। जो शिक्षक हैं उनके लिए बेहतरीन समय है, उनका प्रमोशन होगा। जो प्रोफेसर हैं, एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए 12:12 से लेकर 3:39 तक का समय बेहतर समय है, बेहतरीन समय है। विदेश से भी आपको लाभ मिलने की संभावनाएं प्रबल होंगी, भाग्य आपका काफ़ी प्रबल रहेगा, भाग्य के सहारे बहुत सारे आप काम को अंजाम दे सकते हैं। बुद्धि तो काफ़ी शार्प रहेंगे आपके, नए नए ब्लूप्रिंट बनावेंगे, खास करके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनके लिए समय बहुत ही शानदार है। 3:39 से लेकर 5:39 तक का समय मन काफ़ी बेचैन रहेगा, एक जगह स्थिर होकर नहीं रह सकते हैं, अनवांटेड फियर आप में समाया हुआ रहेगा, शत्रुओं से थोड़ी सी नुकसान होने की संभावनाएं हैं, सर में दर्द पेट में दर्द की स्थिति आपकी बनी रहेगी, गर्दन के दर्द से ज़्यादा परेशान आप रह सकते हैं। 5:39 से लेकर 9:08 तक का समय भाग्य काफ़ी प्रबल रहेंगे, कर्म के क्षेत्र काफ़ी प्रबल रहेंगे, फिल्म लाइन वाले को काफ़ी लाभ होगा, मीडिया लाइन वाले को काफ़ी लाभ होगा, जो व्यक्ति मॉडलिंग करते हैं काफ़ी लाभ होगा, जो व्यक्ति गाना गाते हैं काफ़ी लाभ होगा, जो व्यक्ति होटल व्यवसाय में है उनको नुकसान होने की संभावनाएं प्रबल हैं। तो कुल मिलाकर मध्यम है तुला राशि वाले आपका समय, थोड़ा सा मन ज़्यादा बेचैन रहेगा, फिर भी मिला जुला समय रहेगा आपका। आज के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, बुध के मंत्रों का जाप करें या गणेश जी का 108 नाम का पाठ करें, और अंत में मंगला गौरी के मंत्रों का जाप करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। वृश्चिक राशि, चंद्रदेव आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, मीन राशि में बृहस्पति देव के साथ बैठे हुए हैं, शानदार गज के श्री योग लगाए हुए हैं पंचम भाव में, लक्ष्मी की काफ़ी प्राप्ति होगी, आय के साधन पूर्ण प्रबल रहेंगे, आय होना निश्चित है, हर अच्छे काम की ओर आपका ध्यान ज़्यादा इंगित रहेगा। चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है और शनि आपके तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं, विदेश से लाभ होने की संभावनाएं प्रबल हैं, शेयर सट्टा लॉटरी में काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं हैं, जमीन जायदाद से काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल उद्योग को थोड़े नुकसान हो सकते हैं। जो लुब्रिकेंट का काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं है, लेकिन जो शिपिंग का काम करते हैं,
जो लिक्विड बेस काम करते हैं, जो लुब्रिकेंट का काम करते हैं, बड़ा ही शानदार समय होगा आपका। शिपिंग वाले, आपके लिए समय बेहतर से बेहतर है। 10:34 से लेकर 12:12 तक का समय, ये समय काफी शानदार रहेगा, काफी शानदार। हर तरफ से आपको लाभ की स्थिति बनती है, लेकिन कर्म तो करने होंगे। 12:12 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में, जिसके स्वामी बुध हैं। बुध आपके बुधादित्य योग लगाए हुए हैं भाग भाव में, ये भी समय काफी अच्छा है। बुध आपके आय भाव के स्वामी हैं, बुध आपके भाग भाव में बैठे हुए हैं। आय भाव, भाग भाव का और पंचम भाव का शानदार संबंध बन रहा है। बेहतर समय है आपका, बेहतर से बेहतर समय है। 12:12 से लेकर 3:39 का समय बेहतर समय है आपका। चारों तरफ से आपको लाभ होने की स्थिति बनती है, कहीं से भी नुकसान नहीं है। जो भी आप काम करते हैं उसमें लाभ होगा आपको। 3:39 से लेकर 5:39 तक का समय, ये समय विदेशों से लाभ का समय जरूर है, लेकिन अचानक खर्च होने का भी समय है, थोड़े से मानसिक तनाव होने का समय है, बुद्धि थोड़ा सा काम करना बंद कर सकता है आपका। लेकिन जो व्यक्ति संचार माध्यम से काम करते हैं उनके के लिए समय शानदार है, जो व्यक्ति विदेश से संचार माध्यम से काम करते हैं उनके के लिए समय शानदार है। 5:39 से लेकर 9:08 तक का समय कहीं से भी अच्छा नहीं है। किसी महिला से झंझट हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में तालमेल का अभाव रह सकता है, जिससे आपको काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अनैतिक काम से दूर रहें, किसी भी महिला के साथ अगर एक्स्ट्रा अफेयर्स है आपका तो उससे थोड़ा सा दूर रहें, उससे काफ़ी नुकसान होगा आपको। जमीन जायदाद के कार्य में थोड़े से नुकसान हो सकता है, लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट में है, सेना में है, उनके लिए काफ़ी समय अच्छा है, उनको काफ़ी प्रमोशन मिल सकता है। आज के दिन आप सुंदरकांड का ही पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा मंगला गौरी के मंत्रों का जाप करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। शिवालय में अनार का रस चढ़ावे या अनार का दाना चढ़ावे, जल चढ़ावे, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। धनुराशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके चतुर्थ स्थान पर, शानदार गज के श्री योग केंद्र में लगाए हुए हैं। मीन राशि में चंद्रमा है और बृहस्पति खुद मीन राशि में बैठे हुए हैं। बृहस्पति देवी शनि के नक्षत्र में है, चंद्रदेव भी आपके शनि के नक्षत्र में है। शनि आपके द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, यानी कि शनि आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। माता से धन की प्राप्ति होगी, रिश्तेदारों से धन की प्राप्ति होगी, धन की रक्षा करेंगे, धन को बढ़ावेंगे, संचित धन को भी और बढ़ावेंगे। मंगल राहु आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, जमीन जायदाद से काफ़ी लाभ होने की स्थिति आपकी बनती है, संचार माध्यम से काफ़ी लाभ होने की स्थिति आपकी बनती है। शुक्रदेव बैठे हुए हैं सप्तम में आपके, काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे। होटल के व्यवसायी को काफ़ी लाभ होगा, शुक्र भी आपके कुंडली में राहु के नक्षत्र में है, तो थोड़े उल्टे पुल्टे काम से दूर रहें, नैतिकता की ओर रहें। रोमांटिक तो काफ़ी रहेंगे, लेकिन गलत काम से थोड़े से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। 12:12 से लेकर 3:39 तक, 12:12 के बाद चंद्रमा बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे। आप बुध आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, समय थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। बुद्धि तो काफ़ी तेज रहेंगे आपके, लेकिन फिर भी सही रूप से कोई काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे। जो प्रशासन में है उनको भी काफ़ी नुकसान होगा, जो एजुकेशन सेक्टर में है उनको काफ़ी नुकसान होने की स्थिति बनती है, जो फाइनेंस सेक्टर में उनको भी नुकसान होने की स्थिति बनती है। इस समय किसी भी शेयर लॉटरी के काम से आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। 3:39 से लेकर 5:39 तक का समय, ये समय अचानक लाभ का है। इस समय शेयर सट्टा लॉटरी से भी आपको लाभ हो सकता है, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, डूबे हुए पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। संचार माध्यम से काफ़ी लाभ होगा, काफ़ी धार्मिक मूड में रहेंगे,
धर्म के काम करने वाले धर्म के उपदेशक को काफी लाभ होने की स्थिति बनती है। 5:39 से लेकर 9:08 तक का समय, ये समय अच्छा नहीं है आपका। अधिक बुद्धिमान बनेंगे और पैसे को डुबा देंगे। इस समय किसी भी तरह का निवेश आपके लिए कहीं से उचित नहीं है। किसी भी तरह के निवेश से आप दूर रहें और संयम बना के रखें। आज के दिन आप विशेष करके हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें और बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः। विष्णु जी के ये 5 नाम का जाप करें। ओम देवाय नमः, वाचस्पते नमः, चतुर्भुजाय नमः, सर्वेशाय नमः, सर्वपूजिताय नमः। मंगला गौरी के मंत्रों का जरूर जाप करें, आज उनका दिन है आज। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मकर राशि, चंद्रदेव 3रे स्थान में बैठे हुए हैं। मीन राशि में बृहस्पति देव के साथ बैठे हुए हैं। पड़ोसियों से काफी अच्छा व्यवहार रहेगा। छोटे मोटे कंट्री से, अगल बगल पड़ोसी कंट्री से आपको काफी लाभ होने जा रहा है। चंद्रमा और बृहस्पति आपके भाग भाव को देख कर काफी आपको धार्मिक बना रहे हैं। विदेशों से की काफी लाभ होगा। संचार माध्यम से जरूरत से ज्यादा लाभ होगा। जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं बेहद लाभ होगा। जो व्यक्ति प्रशासन में है उन्हें भी लाभ होगा। जो व्यक्ति विशेष करके गेहूं का व्यापार करते हैं, दाल का व्यापार करते हैं, ग्रोसरी का व्यापार करते हैं, दवाई का व्यापार करते हैं, काफ़ी अच्छा समय है उनके के लिए। मान प्रतिष्ठा आपका काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन मन थोड़ा सा बेचैन आपके रहेंगे। शनि की सारे साथी चल रही है। शनि आपके राशि और लग्न मकर राशि में ही बैठे हुए हैं। शनि मंगल के नक्षत्र में है। मंगल आपके 4th स्थान में बैठे हुए हैं। कुछ घर खरीदने की कोशिश करेंगे, नए जमीन जायदाद खरीदने की कोशिश करेंगे। माता के स्वास्थ्य से थोड़े से नुकसान हो सकता है। माता के स्वास्थ्य से आप परेशान हो सकते हैं। 10:34 से लेकर 12:12 तक का समय, ये समय विदेशों से लाभ का है। छोटे मोटे पड़ोसी देश से लाभ का है ये समय। संचार माध्यम से लाभ का है ये समय। लेबर का जो काम करते हैं, लेबर सप्लाई का काम करते हैं, वो छोटे मोटे जगह अपने लेबर को भेज कर काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। जो लोहे का व्यापारी करते हैं, जो इंजीनियरिंग सेक्टर में, उनके के लिए काफ़ी लाभ का समय है। विदेश से आपको लाभ होने की स्थिति बनती है, लेकिन मन थोड़ा सुस्त रहेगा। 12:12 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। बुध बड़ा ही शानदार ग्रह हैं आपके। बुध भाग भाव के स्वामी हैं। 7th स्थान में बैठे हुए हैं। हर कार्य से सफलता मिलेगा। व्यापार से, पार्टनरशिप के व्यापार से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, फाइनेंस के कार्य से, एजुकेशन के कार्य से, सरकारी कार्य से, जो व्यक्ति वकील हैं, जो व्यक्ति जज हैं, काफ़ी सफलता प्राप्त होगी आपको। बहुत ही सुंदर समय है आपके लिए। 3:39 से लेकर 5:39 तक का समय, जो व्यक्ति संचार माध्यम से काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान चलाते हैं, पूजा पाठ का काम करते हैं, धर्म गुरु हैं, उनके के लिए समय बहुत ही अच्छा है। 5:39 से लेकर 9:08 तक का समय, ये समय अत्यधिक खर्च का होगा, बिना मतलब के खर्च का होगा, जिसका कोई ओर छोड़ ना होगा। फालतू पैसे खर्च करेंगे, महिलाओं पर भी विशेष खर्च कर सकते हैं आप, तो ये समय बहुत अच्छा नहीं है आपका। शत्रु उपद्रव भी हो सकता है। कुल मिलाकर समय अच्छा ही है आपका। विशेष करके 5:39 से लेकर 9:08 तक का समय थोड़े से संयम रखने का समय होगा आपका। आज के दिन आप सुंदरकांड का जरूर पाठ करें, साथ ही साथ दुर्गा जी का 108 नाम का जाप जरूर करें, या 32 नाम का जाप जरूर करें जो दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है, और मंगला गौरी के मंत्रों का जाप करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। जय तंग देवी चामुंडे जय भूताति आरणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो।
कुंभ राशि चंद्रदेव आपके द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, मीन राशि में बृहस्पति देव के साथ बैठ के शानदार समय दे रहे हैं आपका। धन लक्ष्मी में काफी आप बढ़ोतरी करेंगे, पैसे को संचय करेंगे, काफी धार्मिक बोल बोलेंगे, आपके द्वारा बोला हुआ वाणी आज लक्ष्मण रेखा हो जाएगा, वाणी में काफी लज्जत रहेगी, वाणी में काफी मधुरता रहेगी, जब बोलेंगे तो अच्छे अच्छे लोग आपकी वाणी को ध्यान से सुनेंगे, बहुत सारे डूबे पैसे भी वापस मिल सकते हैं, पराक्रम काफी बढ़ा हुआ रहेगा आपका। शनि की सारे साथी चल रही है, शनि बारहवें में है लेकिन मंगल के नक्षत्र में है, मंगल आपके तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं, मंगल आपकी कुंडली में शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, संतान का भी काफी उत्थान होगा, काफी लोगों की आज मदद करेंगे आप, लेकिन केंद्र पूरा आपका खाली है जिसके कारण थोड़ा सा मन बेचैन रहेगा, स्ट्रगल की भावनाएं ज्यादा रहेंगी, स्ट्रगल थोड़ा सा ज्यादा होगा, हर काम के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, किस्मत थोड़ा कम साथ देगा, हालांकि केतु बैठे हुए हैं आपके भाग भाव में जो बृहस्पति के ही नक्षत्र में है, बृहस्पति से केतु अष्टम में बैठे हुए हैं, केतु से बृहस्पति छठे में बैठे हुए हैं, तो थोड़े कर्ज की ही नौबत केतु पैदा कर सकते हैं, खर्च की भी स्थिति पैदा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो आदमी सरकारी नौकरी करते हैं उन्हें अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं, उनके काम की काफ़ी तारीफ होगी, लेकिन हर काम में आज आपको मोटिवेशन चाहिए, हर काम में आपको आज हार्ड लेबर करना होगा, पूरा का पूरा केंद्र आपका खाली है। 10:34 से लेकर 12:12 तक का समय, यह समय विदेश से लाभ का समय है, लेकिन संचित धन में हेर फेर न करें, सावधानी से काम करें, संयम रखें। 12:12 से लेकर 3:39 तक का समय, 12:12 के बाद ही चंद्रदेव रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे, बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे, बुध आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, बुध छठे स्थान में बैठकर विपरीत राजयोग पैदा कर रहे हैं, ये आपको काफी लाभ देंगे, लेकिन पार्टनरशिप व्यापार में लाभ नहीं दे सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में काफी लाभ देंगे आपको, काफी लाभ। 3:39 से लेकर 5:39 तक का समय, माता के स्वास्थ्य पर थोड़े से ध्यान देने होंगे, माता को लेके आप मंदिर मस्जिद की यात्राएं कर सकते हैं, मंदिर घूम सकते हैं, कुछ न कुछ यात्राएं आज पॉसिबल हैं, जो व्यक्ति शिपिंग का काम करते हैं उनके लिए समय बहुत ही सुंदर है, जो व्यक्ति संचार माध्यम से काम करते हैं उनके लिए समय बहुत ही सुंदर है। 5:39 से लेकर 9:08 तक का समय लाभ का समय है आपका, खास करके फिल्मों में काम करने वाले को काफी लाभ होने जा रहा है, मॉडलिंग करने वाले को काफी लाभ होने जा रहा है, होटल व्यवसायी को काफी लाभ होगा, आपके कन्या संतान को भी काफी लाभ होगा, तो कुल मिलाकर दिन बुरा नहीं है, मध्यम दिन है, स्ट्रगल का समय ज्यादा है, हर काम के लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको, मंगलवार का दिन है, सुंदरकांड का पाठ तो अवश्य ही करें, साथ ही साथ आज के दिन आप शिवालय जाएं और गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ावें, गन्ने का रस, और वहीं बैठकर जाप करें, ओम ह्रीम श्रीम शिवाय नमः श्रीम ह्रीम, ओम ह्रीम श्रीम शिवाय नमः श्रीम ह्रीम, काफी लाभ होगा दिन आपका शुभ। मीन राशि चंद्रदेव आप ही की राशि पर बैठे हुए हैं, बृहस्पति के साथ शानदार गज के श्री योग लगाए हुए हैं, बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है, शनि आपके एकादश स्थान में बैठे हुए हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, आय भाव में बैठे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत समय है, मान सम्मान आपका बढ़ा हुआ रहेगा, पैसे के आगमन होंगे लेकिन मेहनत से पैसे के आगमन होंगे, सत्कर्म करने के बाद ही पैसे के आगमन होंगे लेकिन होंगे, मंगल राहु आपके द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, वाणी में काफी तल्खी रहेगी,
अभद्र वाणी भी बोल सकते हैं, तो पानी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें। जमीन जायदाद से आपको लाभ होने की स्थिति बनती है। शुक्रदेव आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, काफ़ी लग्जरी सामान खरीद सकते हैं, गाड़ी घोड़ा खरीद सकते हैं, सॉरी घोड़ा का तो आजकल समय नहीं है, गाड़ी नई गाड़ी खरीद सकते हैं, नए मकान खरीद सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत समय है। होटल व्यवसाय को काफ़ी लाभ होगा, फिल्मों में काम करने वाले को काफ़ी लाभ होगा, जो व्यक्ति डायमंड्स का काम करते हैं बेहद लाभ होगा, जो व्यक्ति आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हैं, कीमती रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, हाई प्रोफाइल काम करते हैं, फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, कॉस्मेटिक का काम करते हैं, बेहद लाभ होने का समय है। 3:39 से लेकर 5:39 तक का समय है। जो व्यक्ति संचार माध्यम से काम करते हैं लाभ होगा, जो व्यक्ति विदेशों से काम करते हैं लाभ होगा, लेकिन इस समय मन थोड़ा सा बेचैन आपका ज़्यादा रहेगा, अनवांटेड भय से थोड़े से ग्रसित रहेंगे आप, कोई आपसे ऐसी भूल होगी जिससे आपको काफ़ी ग्लानी महसूस होगी, तो संयम रखें, हर काम को सोच समझ के करें। 5:39 से लेकर 9:08 तक का समय ये आपके संतान के लिए अच्छा समय है, संतान के लिए काफ़ी अच्छा समय है, संतान के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होंगे, संतान विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जा सकते हैं, आपको भी बिजनेस में काफ़ी लाभ होगा। इस समय बहुत सारे युवा युवती खुद से शादी ब्याह कर सकते हैं, जिससे खास करके उनकी माताएं और पिता अभिभावक काफ़ी परेशान रहेंगे, तो सोच समझ के हर काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। दिन मीन राशि वाले आपके लिए काफ़ी शानदार दिन है आज। हनुमान चालीसा का 3 पाठ करें, बृहस्पति देव के मंत्रों का जरूर जाप करें आप। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः। शिवलिंग पर आज के दिन कनेल का फूल चढ़ावें, जल चढ़ावें, धतूरा चढ़ावें, भांग चढ़ावें, साथ में काला तिल जरूर चढ़ावें, काफी लाभ होगा। वहीं बैठकर मंगला गौरी के मंत्रों का जाप करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। राशिफल के श्रृंखला में इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।